मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल या तो ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो ऐसे केस में आप एक्सेलरेशन को या तो प्लस जी कंसिडर करोगे या तो माइनस जी कंसिडर करोगे, और ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो आपने प्लस डायरेक्शन किसको एज्यूम करा और माइनस डायरेक्शन किसको एज्यूम करा। मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा एक डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मानता हूं और दूसरे डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव। मैं क्वेश्चन के हिसाब से कभी चेंज नहीं करता, मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि ऊपर की तरफ जो भी चीजें होंगी उनको मैं हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करूंगा और नीचे की तरफ जो भी चीजें होंगी उनको मैं हमेशा नेगेटिव कंसिडर करूंगा। ये मेरा मानना है, आप चाहें तो उल्टा मान सकते हैं बट बिना बात के कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्वेश्चन के हिसाब से प्लस माइनस चेंज करने से। तो मेरा हिसाब यही है कि ऊपर मानो प्लस नीचे मानो माइनस। तो अगर आप ऐसा ही हमेशा एज्यूम करोगे हमेशा तो नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव, तो ग्रेविटी आपके लिए हमेशा कैसी होगी, एक्सेलरेशन आपके लिए हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा नेगेटिव। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप ग्रेविटी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा ग्रेविटी को नेगेटिव ही लिखेंगे। यस सर, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो, चाहे ऊपर से नीचे आ रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, तो माइनस जी ही लिखेंगे हर क्वेश्चन में। ये बात गांठ बांध लो आज के पहले। अगर कोई पार्टिकल नीचे से आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी यू, तो आप इस वेलोसिटी को कैसा लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। अगर आपने कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट किया है तो ऊपर से नीचे मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी ले ली जाएगी, नेगेटिव ले ली जाएगी। बात समझ आ रही है, ये कुछ बेसिक सी चीजें नोट करो मेरे साथ। अगर आपने कोई पार्टिकल को नीचे से फेंका ऐसे और वो धीरे 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 ऊपर जाता है और फाइनली यहीं पे नीचे ही लौट आता है, मतलब ए पॉइंट से शुरू करता है फाइनली बी पॉइंट पे उसी लेवल पे आ जाता है, तो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऊपर गया घूम के वापस आया, आपने कहा सर जीरो जीरो होगा। तो अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एक्सेलरेशन कैसी होगी, सर एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होती है, माइनस जी। अच्छा जी ठीक है। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, यू, आपने कहा ऊपर की तरफ फेंका था तो पॉजिटिव ले ली जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा बेटा, यहाँ पे जब पहुंचेगी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव आ जाएगा फाइनल। तो खैर ये बात याद रखें आप कि जब पार्टिकल नीचे से शुरू करके वापस वहीं आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो ले लिया जाता है। अच्छा और कोई सर कोई कोई केस होता है क्या, हाँ और भी होते हैं। आपने किसी पार्टिकल को ए पॉइंट से फेंका और वो धीरे 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 फाइनली बी पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, आपने ऐसे फेंका उसको और वो फाइनली यहाँ पे जाके, तो हाइएस्ट पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो, रुक जाता है ना। और इनिशियल वेलोसिटी कैसी ले ली जाएगी, आप कहोगे पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा लोगे, ऊपर जा रहा है फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी तो नीचे ही होती है, माइनस जी, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये आपका इनिशियल था, बी आपका फाइनल था। अगर आपने किसी पार्टिकल को ए पॉइंट ऊपर से ड्रॉप किया है, क्या किया है, ड्रॉप, ड्रॉप करने का मतलब होता है आपने हाथ में पकड़ा और हाथ खोल दिया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी अज्यूम करी जाएगी, जीरो। जब भी आप किसी क्वेश्चन में ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे जाएगा और फाइनली बी पे पहुंचेगा तो आप मुझे बता दो इस केस में, इस लेफ्ट वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ए से बी जा रहे हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे ले लिया जाएगा, एस, ए से बी ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा बच्चे, पॉजिटिव। बट इस केस में आपका ए से बी आप जा रहे हो ऊपर से नीचे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ऊपर से नीचे आ रहे, ऊपर से नीचे आने वाली हर एक चीज कैसी होती है, नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको। एक्सेलरेशन कैसी होगी, सर एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नेगेटिव होती है। यस सर, ऑल गुड, क्लियर हो रहा है। ऊपर से नीचे आओगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, नीचे से ऊपर जाओगे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। ये बात याद रखना, ऊपर जाने वाली हर एक चीज पॉजिटिव, नीचे की तरफ डायरेक्शन वाली हर एक चीज नेगेटिव। और यहां पे एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। पार्टिकल ने यहां से शुरुआत करी, आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका, वो ऊपर गया धीरे 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 धीरे, फाइनली थोड़ा यहां तक आया, पूरा नीचे नहीं आया, ए पॉइंट से यहां बी पॉइंट पे गया, तो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा लोगे, आप कैसे लोगे इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चा, पॉजिटिव। देखो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल बी ऊपर है, तो अभी भी ऊपर ही ना, तो पॉजिटिव लेने वाले हो, याद रखना ये बात, पॉजिटिव। अच्छा एक्सेलरेशन कैसा लोगे, एक्सेलरेशन तो सर हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। तो ये मत सोचना कि सर ऊपर जा रहा था तो नेगेटिव क्यों लिया या नीचे जा रहा था तो नेगेटिव क्यों लिया। नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, व्हिच इज ऑलवेज टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स इट, आपको याद रखना है बच्चा।
इससे ज्यादा घुमा फिरा के आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये सारे के सारे केस मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन को कैसे कैसे प्लस लेना है, कैसे कैसे माइनस लेना है। रुको 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 रुको, देख लिया पूरा वीडियो, सब समझ आया? नहीं आया तो कमेंट्स में लिखो कि नहीं समझ आया और क्या समझ नहीं आया वो बताओ, और अगर समझ में आ गया है तो भी कमेंट्स में लिखो क्या लिखना है। थैंक यू सर, समझ आ गया, ताकि मैं अगली वीडियो जल्दी से जल्दी डालूँ। ओके चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।